सोलन में टैक्सी चालक बेहद परेशान हैं और उन्हें अब घर चलाना भी बेहद मुश्किल हो रहा है। टैक्सी चालकों के अनुसार उन्हें उम्मीद थी कि लॉकडाउन खुलने के बाद कामकाज खुलेगा और वे पहले की तरह आमदनी कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर नहीं आ रहे हैं और ना ही बाहरी राज्यों से लोग हिमाचल घूमने पहुंच रहे हैं, जिसके चलते उनका व्यवसाय पूरी तरह से ठप हो चुका है। यही कारण है कि वे बेहद हताश और चिंतित हैं। उन्होंने कहा कि वे सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से उन्होंने बस चालकों को राहत प्रदान की है, वे टैक्सी चालकों को भी राहत प्रदान करें और जो नियम उन पर थोपे गए हैं उन्हें भी समाप्त किया जाए। मीडिया के माध्यम से उन्होंने प्रदेश सरकार से गुहार लगाई और कहा कि सरकार एक तरफ बसों को 100% क्षमता में चला रही है, वहीं दूसरी ओर टैक्सी में दो ही व्यक्ति बिठाने के लिए अनुमति दी गई है, जो कि तर्कसंगत नहीं है, जिसके चलते उन्हें भारी हानि उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि जिला में निजी गाड़ियों से भी सवारियां ढोई जा रही हैं, जिसकी वजह से उनका कामकाज प्रभावित हो रहा है, जिसको लेकर वे कई शिकायतें जिला प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि जहां एक और बसों को 100% क्षमता पर चलाया जा रहा है, वहीं उन्हें किराए को बढ़ाने में भी प्रदेश सरकार ने सहमति जताई है। इसके लिए वे चाहते हैं कि टैक्सी का इंश्योरेंस भी सरकार को माफ करना चाहिए। उन्होंने कहा कि टैक्सी से आमदनी नहीं हो रही है, लेकिन बैंक उनसे जबरन वसूल रहे हैं, यहाँ तक कि किश्त में देरी होने से 1,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा रहा है, जो सरासर गलत है। इस पर प्रदेश सरकार को कोई कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए। जी, मेरा नाम पंकज डोगरा है और हम सोलन में, हमारा टैक्सी का व्यवसाय है जो कि लॉकडाउन की वजह से इस टाइम एक तरह तो पूरा खत्म ही है। जितने भी हमारे भाई हैं सबका अपना स्वरोजगार कर रहे हैं, पर गवर्नमेंट मतलब लगभग टैक्सी के रोजगार को भूल चुकी है। बसों को और चीज़ों को, सारे ट्रांसपोर्ट को, ट्रकों को, हर चीज़ को रिलैक्सेशन दी गई। टैक्स की रिलैक्सेशन हमें दी गई सिर्फ टोकन टैक्स में, उसके अलावा जो हमारा सबसे बड़ा खर्चा है वो है टैक्सी में इंश्योरेंस का, क्योंकि कमर्शियल गाड़ी में सबसे ज़्यादा है। लगभग इन्हीं गाड़ियों की, अगर आप छोटी गाड़ियों की बात करें, 40 से 50 हज़ार रुपये है। उसके ऊपर फिर इंस्टॉलमेंट है, ड्राइवर का खर्चा है, टैक्स है और है, और लोगों ने अपने घर भी चलाना है, जो लॉकडाउन में चलना बहुत मुश्किल हो गया। अब हमारी जो गवर्नमेंट से डिमांड है वो सिर्फ इतनी है कि कम से कम हम लोगों को रिलैक्सेशन देने के लिए तो हमारी इंश्योरेंस और टैक्स, और साथ में जो एक्साइज टैक्स, जिस पे अभी तक कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी कुछ भी जारी नहीं किया गया कि वो माफ़ होगी या हमें देना है या पेनल्टी के साथ देना है, क्या देना है, कुछ पता नहीं है। पर हमारी गवर्नमेंट से सिर्फ इतनी डिमांड है कि कम से कम हमारी इंश्योरेंस और जो टैक्सेज हैं वो तो एक साल के लिए माफ़ किए जाएँ, क्योंकि आने वाले टाइम में अभी लगभग काम नहीं होगा एक साल तक, क्योंकि हमारा टूरिस्ट सीजन तो पूरा ख़त्म ही हो गया, होटल इंडस्ट्री पूरी बंद है, तो होटल और जो गाड़ियों का है पूरा टूरिज्म में मिलकर ही चलता है। सौतेला व्यवहार भी कह ही सकते हैं इसको, क्योंकि गवर्नमेंट ने अभी बसों में जैसे 100% सीटिंग कैपेसिटी कर दी, टैक्सियों को उसमें उन्होंने ये इंक्लूड नहीं किया। टैक्सियों में कोई वो नहीं दिया कि हाँ जी 100% करनी है नहीं करनी। अभी भी टैक्सी वाले जितने हैं वो उसी हिसाब से, जो उन्होंने एक पैटर्न किया है कि 4+1 में 2 लोग, 6+1 में 4 लोग, 12+1 में 8 लोग, उसी के हिसाब से चल रहे हैं। अब लोग जब आते हैं तो अब किसी ने मान लो छोटी गाड़ी हायर करनी है, नहीं उसकी क्षमता है, अगर वो 4 लोग हैं तो उनको बड़ी गाड़ी हायर करनी पड़ती है, और बड़ी गाड़ी वो हायर भी नहीं करते, उसके बजाय कोई और ही। अब जैसे कुछ हमारे शहर में प्राइवेट गाड़ियां भी चल रही हैं, उसकी वजह से भी हमारी टैक्सी का जो बिजनेस है वो ठप हो रहा है। गवर्नमेंट का इस तरफ कोई ध्यान नहीं। कई बार गवर्नमेंट को हमने इस पर नोटिस भी किया और भी किया, पर अभी तक कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। मेरा नाम तरुण है और मैं इधर टैक्सी चालक हूँ सोलन में। तो मेरी ये समस्या है कि बसों के लिए तो परमिशन दी गई, फुल सीट की परमिशन दी गई है, हमारे को सिर्फ 2 ही लोग अलाउड हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि हमें परमिशन दी जाए, 4 लोगों की परमिशन मिल जाए, और ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो प्राइवेट गाड़ियाँ जा रही है, जो आज टैक्सियों में चल रही है, उन गाड़ियों को सरकार देखे, रोके, और सरकार हमारे साथ तो सौतेला व्यवहार ना करे। तो जो बसों के लिए तो फुल सीटें देनी गई है सरकार की जगह, और फिर पैसे किराया भी बढ़ा रहे हैं, और हमारे टैक्सी वालों को सिर्फ 2 ही लोगों की परमिशन दी गई है, और किराए में भी वही है, पेट्रोल डीजल इतना बढ़ाया गया है, और हमारा टैक्स भी माफ़ करे सरकार, और किस्तें 18,000 रुपये है जो कि आजकल काम नहीं है, कि हमारी किस्तें माफ़ की जाए, जो कि प्राइवेट फाइनेंसर आए हैं बोलते कि गाड़ी उठा लेंगे जी,
हैं, हजार रुपये पेनल्टी लगा रहे जी किस्तों में।